इस वीडियो में आपसे आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि फिशर का ऑपरेशन करवाने के बाद पेशेंट को घर पर कौन सी होम केयर करनी चाहिए, या आपको डॉक्टर घर पर फिशर के बारे में क्या क्या एहतियाती तदाबीर बताते हैं और क्या क्या चीजें आपको लिख कर भेजते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज हुसैन है। आई एम अ जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस करें ताकि हम इस सीरीज में जो भी न्यू वीडियो बनाएंगे हम आपको नोटिफाई करेंगे जो भी हमारी नई वीडियो आएगी इसमें बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें थोड़ा सा पहले हम आपको आइडिया देना चाहते हैं कि ये फिशर क्या होता है। फिशर एक्चुअली पखाने वाली जगह पर एक चीर होता है, जो चीर आ जाता है, जो कब्ज की वजह से हो सकता है। मेल्स में 90% केसेस में ये कब्ज की वजह से होता है, जबकि फीमेल में 90% केसेस में ये ज्यादातर होता है कि प्रेगनेंसी की वजह से ये फिशर बन जाता है। कब्ज भी एक फैक्टर होता है, जिनमें दाइमी कब्ज होती है उनमें ये फिशर बनने के चांसेस होते हैं। इसका अब इलाज क्या होता है? इलाज ये होता है कि 2 महीने के लिए ये तो इसको मेडिसिन से इसको ठीक किया जाता है, लेकिन अगर 2 महीने के अंदर अंदर ये ठीक नहीं होता तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू गो फॉर ऑपरेशन। तो सर्जन आपका जनरल सर्जन ये ऑपरेशन करता है, वो आपका सर्जन सर्जरी एडवाइस करेगा और इसका ऑपरेशन करेगा। अब ऑपरेशन का मैं आपको नाम बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ये टेक्निकल जॉर्गन है। ये होती है लेटरल इंटरनल एनल स्फिंक्टरोटमी। ये स्फिंक्टर होते हैं पखाने वाली जगह पर, दो तरह के स्फिंक्टर होते हैं। एक वो होते हैं जो पखाने का कंट्रोल करते हैं और एक वो जो होते हैं जो हवा जब गुजरती है तो उसके कंट्रोल के लिए आते हैं। तो कब्ज जब होती है तो ये उसमें चीर आ जाता है और स्फिंक्टर को एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये फिर पेनफुल होता है। पेशेंट जब भी पखाना करे तो उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो आज इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑपरेशन हो गया, अब आपका डॉक्टर आपको घर के लिए क्या क्या चीजें बताएगा, क्या क्या दवाइयां लिख कर देगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ऑपरेशन हुआ है, ये एरिया एक्सपोज हुआ है, आपके बॉडी पे कट आया है, तो आपको एंटीबायोटिक लिख कर देगा। एंटीबायोटिक आपको लेकर देगा 5 से 7 दिनों के लिए। एंटीबायोटिक्स होती हैं यूजुअली, इसमें एरोबिक और एनएरोबिक कवर होता है। आपको जो मेडिसिन लेकर दी होती है वो आपने 5 to 7 days का कवर होता है, तो आपने वो इस्तेमाल कर दिया है। इसके बाद क्योंकि इनिशियली पहले तो फिशर की वजह से पेन हो रहा था, अब ऑपरेशन की वजह से 1-2 दिन के लिए पेन हो सकता है, उसके लिए आपको आपका जो डॉक्टर है वो पेन किलर भी लेकर देगा। पेन किलर अमूमन 2 से 3 दिन के लिए तो आपने यूज करनी है, और लेकिन उसके बाद एज रिक्वायर्ड अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको वो भी उसको फिर हस्ब जरूरत आपको वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, पेन किलर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ओरल फार्म में होंगे, इंजेक्टेबल की जरूरत नहीं पड़ती। जब पेन किलर देते हैं तो ये मेदे का अल्सर करते हैं। कुछ जो डॉक्टर हैं आप लोगों को एक ऐसा कैप्सूल भी दे सकते हैं जो कि सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आपने इस्तेमाल करना है। वो कैप्सूल मेदे की कवरिंग को कवर करेगा, जिसकी वजह से जब आप पेन किलर लेंगे तो वो आपके मेदे के अल्सर बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और नहीं बनते हैं। और एक और चीज जो मल्टीविटामिन्स आपको एडवाइस कर सकते हैं आपके डॉक्टर, मल्टीविटामिन्स में जैसे कि सर्विक्स डी हो गया, जिसमें जिंक ज्यादा होगा, क्योंकि जिंक होता है वो ऑपरेशन वाली जगह को जो वुंड होता है उसकी हीलिंग में मदद देता है, ये हीलिंग स्पीड अप हो जाती है। तो ये तो हो गई मेडिकेशन जो मल्टीविटामिन्स होते हैं। यू विल हैव टू टेक दीस मल्टीविटामिन्स फॉर एटलीस्ट 2 weeks or 1 month। और जो कैप्सूल सुबह नाश्ते वाला है वो और पेन किलर आपको 2 से 3 दिन के लिए लेनी पड़ती है, और एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन का कवर। ये तो मेडिसिन हो गई, बाकी चीजें क्या इस्तेमाल करनी है आपने? अब आपने ऐसा खाना इस्तेमाल करना है कि जिससे पखाना बड़ी मिकदार में बने और नरम बने। आप देखेंगे सब्जियों का इस्तेमाल आपने ज्यादा करना है, आपने ऑपरेशन के बाद अपने खाने में डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है, तरकारियों का इस्तेमाल ज्यादा करना है और पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। सब्जियां आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उससे ये होगा कि आपका पखाना नरम होगा और ज्यादा आएगा,
और बल्क फार्मर होता है ये, उससे ये होता है कि उस इसके मुकाबले में हम कंपेयर करें, अगर आप सिर्फ गोश्त इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसमें फाइबर्स नहीं होते और उसमें ये होता है कि फिर पखाना बहुत ही हार्ड होगा। पानी भी आप इस्तेमाल कम कर रहे हो, ऊपर से गोश्त इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो हार्ड होगा, आपका जो पखाना होगा स्टूल होगा और सुद्दे बन के निकलेंगे, और जब वो हार्ड पखाना उस जख्म वाली जगह से गुजर के आएगा तो ज़्यादा पेनफुल होगा। बजाय उसके कि जब आप सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो वो पखाना नरम होगा और वो उस पखाने वाली जगह पे जो जख्म बना हुआ है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप गोश्त, ऐसा नहीं है कि आप गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते, गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसका दरमियानी सलूशन यह है कि आप गोश्त को सब्जियों में मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन की भी हमें ज़रूरत है, प्रोटीन भी वुन की हीलिंग में मदद देती है। एक तो आपने ये एहतियात करनी है, दूसरा ये है कि इस गोल का छिलका आपने इस्तेमाल करना है, इस्पा गोला हस्त ये इस्तेमाल करना है। ये कैसे इस्तेमाल करना है, आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि एक तो रात को सोने से पहले आपने इसको इस गोल का छिलका के 2 चम्मच आपने नीम गर्म पानी में या फिर नीम गर्म दूध में 2 चम्मच इस्पा गोला हस्त के इस गोल के छिलके के आपने उसमें डालने हैं, और उसको ये करना है कि 2 से 3 मिनट के लिए आपने वेट करना है, वो छिलका जब तक फूल जाए तब आपने इस्तेमाल करना है। ऐसे नहीं है कि आपने पानी में डाला और साथ उसके साथ ही आपने पी लिया, और ऐसा भी नहीं है कि आपने पहले छिलका एक हाथ में डाला फक्की ली और ऊपर से पानी पी लिया, ये भी खराब है, ये गलत इस्तेमाल है। और दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप दही में इस्तेमाल करेंगे तो ये फिर कब्ज़ करेगा, हमने कब्ज को ख़त्म करना है, तो पानी में इस्तेमाल करना है या दूध में इस्तेमाल करना है, और नीम गर्म होना चाहिए ताकि वो मिक्स जल्दी हो जाए और छिलका जल्दी फूल जाए, फिर आपने इस्तेमाल करना है। इसबगोल का छिलका इस ऑपरेशन के अलावा वैसे भी लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इट रिड्यूसेस वेट और इट आल्सो रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, और तीसरा इसका फायदा जो हम अभी आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये कब्ज को ख़त्म करता है। ये 3 यूजेस हैं नॉर्मली, लाजमी नहीं है कि ये हैवी जो बिल्ड वाले बंदे होते हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करें वोएमी के ऑपरेशन के बाद, वैसे नॉर्मल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी आपका इससे कंट्रोल में रहेगा। तो इसबगोल का छिलका आपने ऑपरेशन के बाद इस्तेमाल करना है, आपके वो पेन कम होगा। एक और जो मैं आपको एहतियात बताने लगा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने वार्म सिट्स बाथ लेने हैं। ये एक आपको ये स्क्रीन पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, वार्म सिट्स बाथ। वार्म सिट्स बाथ ये होता है कि आप एक ऐसा टब लें, इतना बड़ा टब होना चाहिए जिसमें आप बैठ सकें, उसमें वार्म ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए, कोसा कोसा उसमें पानी होना चाहिए। उसमें अब आपने क्या डालना है, उसमें आप डाल सकते हैं, उसमें आपने डालनी है पायोडीन। पायोडीन आपने इतनी डालनी है कि वो पानी पीला हो जाए, पायोडीन का कलर क्योंकि इसी तरह होता है, और साथ आपने डिटोल के भी 8 से 10 ढक्कन उसमें मिक्स कर लेने हैं। अब ये आपका पानी जो है टब है ये रेडी हो जाएगा। इसमें आपने बैठना है, एक तो 2 से 3 मरतबा बैठना है और 15 से 20 मिनट तक बैठना है। टब में पायोडीन डिटोल डालकर कोसा कोसा पानी हो, इतना बड़ा टब हो जिसमें आप बैठ सकें, 15 से 20 मिनट के लिए आपने बैठना है और 2 से 3 मरतबा आपने बैठना है। क्योंकि आप आपको पता है कि यहाँ से पखाना गुजरता है, जब पखाना गुजरता है तो वो पहले एक फिशर वाला जख्म था, एक ऑपरेशन वाला जख्म होगा, तो वो पखाना अगर वहाँ पे फंस गया या वहाँ रह गया, स्टक हो गया, तो वो उस जगह को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा, फिर रेशा बनना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये जगह साफ रही तो कुदरत ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई दी हुई है, और ब्लड सप्लाई जब पहुँचती है, ब्लड सप्लाई में आपको पता है खून में ही न्यूट्रिशन होती है, खुराक होती है। पहले उस जख्म की क्योंकि स्फिंक्टर टाइट था, उस चीर वाली जगह पे ब्लड सप्लाई नहीं जा रही थी तो हीलिंग नहीं हो रही थी। अब हालांकि दूसरा कट यहाँ पे लग गया, लेकिन ये जगह क्योंकि उस तरह टाइट नहीं है, तो अब इसका ये फायदा होगा कि ब्लड सप्लाई जाएगी। अब ये जगह साफ होनी चाहिए, इसके लिए आपने ये वार्म सिट्स बाथ करने हैं। वार्म सिट्स बाथ पखाना करने के बाद तो आपने लाजमी करना है। तो अब आपका ये शेड्यूल होगा ऑपरेशन के बाद कि 3 दफा वार्म सिट्स बाथ लाजमी करने हैं, और
इस दौरान अगर एक पखाना आ गया है तो वो उसमें शामिल होना चाहिए, उसके बाद तो लाजमी करना है। तो सुबह उठने के बाद आपने करना है, इसका एक अच्छा सा हल यही होता है कि सुबह उठते हैं आप फ्रेश होते हैं, उस वक्त आप वार्म सीट्स बाथ कर लें, टब में बैठ जाएं, उसके बाद आप नहा लें। और दूसरी दफा उस वक्त हो जाएगा जब आप रात को सोने के वक्त, उससे पहले आप इसी तरह वार्म सीट्स बाथ ले लें और फिर उसके बाद आप नहा लें, और ये तो ईजी हो जाएगा। दिन को बाज़ दफ़ा जो ऑफिस पे जाने वाले लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेकिन उनको एहतियात करनी चाहिए। पखाना करने के बाद अगर पखाना आए तो तीसरी दफ़ा लाजमी बैठना है, चौथी दफ़ा अगर पखाना फिर आ गया है तो फिर इस रूटीन के अलावा चौथी दफ़ा आपको बैठना पड़ेगा। आपको ये बात बताने का मकसद ये है कि जब भी पखाना आएगा उस वक्त आपने वार्म सीट्स बाथ लाजमी लेने हैं। अब मेडिसन जो थी, पेन किलर थे, बाकी चीज़ थी, वो तो 5 to 7 days का कोर्स है, वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी एहतियात आपने करनी है, बाकी इलाज यही है, वार्म सीट्स बाथ, इससे ही आपने ठीक होना है। अच्छा, अब पेशेंट व्हेन शी आर ही कैन रिज्यूम हिज और हर एक्टिविटीज, डेली लाइफ एक्टिविटीज, एक या दो दिन में डेली लाइफ के एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे होते हैं पेशेंट, और मतलब इजी होता है, लेकिन ये वुंड को इट विल टेक 3 weeks or 4 weeks टू हील। उसके लिए आपको इतनी अरसे के लिए वार्म सीट्स बाथ लेने पड़ सकते हैं, और ये बाद में रूटीन बन जाती है। आप बाद में इसकी फ्रिक्वेंसी आप कम भी कर सकते हैं, 4 या 5, 3 या 4 की बजाय फिर सुबह शाम पे भी ले आते हैं। बाज़ दफ़ा पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स की जो हैबिट होती है वो सुबह या शाम को ही स्टूल पास करने की होती है, तो इट बिकम्स ईजी। तो लेकिन ये है कि आपको आज बताने का मकसद ये है कि वार्म सीट्स बाथ जो है ये आपका इलाज होगा। सर्जन ने तो ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद होम केयर में पेशेंट ने ये चीज़ें अपनानी हैं, और अगर ये चीज़ें वो अपनाएंगे तो इस ऑपरेशन के बाद उनकी जो हीलिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये एहतियातें अगर आप करेंगे तो उसके बारे में आप बहुत जल्द इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और ये था आज की हमारी तमाम वीडियो। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हो, फिशर के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, और इसके बारे में कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बाद बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम नई आने वाली वीडियो आपको भेज सकें। शुक्रिया।